उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित सचिवालय में उस समय हड़कंप मच गया जब फाइलों के बीच से एक अचानक से सांप निकल आया और वहां मौजूद एक कर्मचारी को डस लिया। उस दौरान वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है सांप को देखने से लग रहा था कि वो एक छोटा बच्चा ही था। सांप को देखते ही वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे डंडे, वाइपर और फंटी की मदद से किनारे करके पकड़ लिया, फिर बाद में वन विभाग को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक सोमवार को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन शक्ति भवन के चौथे फ्लोर में आशुतोष कुमार किसी जरूरी फाइल को ढूंढ रहे थे। उसी दौरान एक फाइल उठाया तो अचानक से वहां से एक सांप निकल पड़ा। सांप को देखते ही कर्मचारी चीखने लगा, लेकिन तभी सांप ने उसे डस लिया। कर्मचारी की चीख पुकार सुनते ही अन्य कर्मचारी भी वहां पहुंचे, जिसके बाद कर्मचारियों ने सांप के बच्चे को डंडे, वाइपर और फंटी की मदद से पकड़ लिया, फिर बाद में वन विभाग को सूचित कर दिया। पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने सांप को पकड़ लिया। घायल कर्मचारी को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन इलाज जारी है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए डेस्क रिपोर्ट।